क्या आपका भी शुरुआत ऐसे हुआ जैसे मेरा? हैप्पी न्यू ईयर। अरे लाड़वा नहीं है। तो गाइस अपना न्यू ईयर यहाँ से शुरुआत होता है। अपने चूल्हे पे खाना बन रहा है मस्त ब्रेड पकौड़ा, जो बेसन में मस्त उसको लपेट कर तेल में फ्राई हो रहा है। तो ये मेरा काम है, मम्मी का और मेरे सिस्टर का। तो मस्त ब्रेड बनने के बाद हम बाल्टी में भरते हैं ठंडा ठंडा पानी, और पानी भरने के बाद अब नहाने में कितना तकलीफ होता है फिर भी नहा लेते हैं। और बाहर का मानसून देख सकते हैं कितना सुंदर है, चिड़िया चहचहा रही हैं और कुत्ते अपने बच्चे के साथ सोया हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारा भैंसिया को आप देख सकते हैं कितना मस्त लगी हुई है। ये मेरी बड़ी भैंस है, उसकी मम्मी भैंसिया की। और ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, लोगों से मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। रोड खाली खाली है, ये लोग गाड़ी के इंतजार में, कोई सवारी गाड़ी मिल जाए। लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में एक कानून लगा है। गाइस अपना न्यू ईयर कुछ ऐसा शुरू हुआ, लेकिन जो गाड़ी अभी रास्ते पे एक भी नहीं आप लोगों ने देखा, मैं भी नहीं देखा। लोग इंतजार में पड़े हुए हैं कि गाड़ी अब आ जाएगी, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। इसके पीछे एक कारण है कि पूरे भारत में एक कानून लगा है, जिसके उपरांत कोई भी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना करता है तो उसके 5 साल की जेल, और जिसका एक्सीडेंट करता है उसको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। पूरे जिंदगी में ड्राइवर कभी 10 लाख रुपया कमाया नहीं है तो क्यों देगा? इसलिए वो धरना बैठे हैं कि इस नियम को हटाया जाए ताकि हम सुकून से जी सके। तो यही नियम है। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, ताकि इस वीडियोस के थ्रू अच्छी अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आपका हर एक दिन ऐसे खुशी से, मतलब खिल उठे। इसलिए इसको दिया है क्योंकि हमेशा गुलाब खिलता हुआ नजर आता है। लोग समझते नहीं है, गुलाब जो है ना खुशहाली का प्रतीक होता है। आपका हर एक दर्शक देख रहे हैं वीडियोस को, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अच्छे से रहिए और भाईचारे के साथ रहिए। किसी से गुस्से में झगड़ा मत करिए, गुस्से को कंट्रोल करिए, अकेला में रहिए गुस्सा काबू करने के लिए। किसी से प्रतीक में झगड़ा मत करिएगा, भाईचारे से रहिए। लाइफ अकूल।